डिप्टी ब्यूरो चीफ खलील मोहल, अभी कुछ देर पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना जिसमें तमाम पार्टीज ने शिरकत की और ज़रूरत ज़िंदगी के बारे में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने बयानिया जारी किया। दर हकीकत वो हकायक पर मबनी है और राज न्यूज़ कोरोना वायरस जंग पर सिंध भर में अपने नुमाइंदों के साथ अपनी सरंजाम खिदमत सरंजाम दे रहा है, इस पर भरपूर काम कर रहा है और आगे भी इस तरह के काम करता रहेगा और इस कोरोना वायरस की जंग में सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ा है और वजीर आला मुराद अली शाह साहब जो कि हमारे इस खतरनाक जंग के हीरो हैं, जो ये वो जंग है जिसका दुश्मन नजर नहीं आता, ये वो दुश्मन है जो हमारे खून और नसों में एक वायरस के थ्रू उतारा गया है और हम सब ये चाहते हैं कि हम इस जंग में अपने सिंध हुकूमत का साथ दें और मैं अपील करता हूँ अपने सिंध की हुकूमत से कि सोशल मीडिया को और हम जैसे चैनल्स और यंग जनरेशन को इस जंग में शाना बशाना खड़ा होना चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें हर तरह से अपने साथ पाएं, आप हमें हर जगह अपने साथ पाएं, इंशाल्लाह हम अपने सिंध हुकूमत के साथ खड़े हैं। सिंध हुकूमत के साथ क्या, हम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया काम करेगा। इस टाइम हमारी पाक फौज भी सिंध हुकूमत के साथ पूरे सिंध भर में अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहा है और हम अपनी पाक फौज को सलाम पेश करते हैं कि हर वक्त हर कदम वो हमारे शाना बशाना रहे हैं, चाहे वो जंग किसी तरह की हो। वो इस टाइम ये जो जंग है ये तमाम जंगों से बड़ी जंग है, इसका दुश्मन नजर नहीं आने वाला क्योंकि ये दुश्मन हमारे नसों में है और ये दुश्मन हम जानते हैं कि ये दुश्मन कहाँ से और किस तरह से पाकिस्तान की इस्लामियत को नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ा गया है। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हर जंग हमने बाखूबी सर अंजाम दिए और ये जंग भी इंशाल्लाह हम ये जंग जीत के दिखाएंगे। आवाम से अपील है कि वो मायूस ना हो क्योंकि हमारे हुक्मरान, हमारी पाक फौज, हमारे जज्बे, हमारा ईमान सब अल्लाह ताला के हुक्म से हम बहुत ताकतवर लोग हैं, हम मुसलमान कुव्वत हैं, हम मुसलमान हैं, हमें अपने कलमा गो होने पे फख्र है कि इंशाल्लाह हम कभी मायूस नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।